अगर आप नुक्ताचीनी और तनकीद की बीमारी में मुब्तला हैं तो आप कभी खुशी हासिल नहीं कर सकते। खुशियाँ चाहते हैं तो मुख्तलिफ बहानों से लोगों को खुश करने की कोशिश करें। रोजमर्रा जिंदगी में, जिंदगी के आम मामूलात में, आप टैक्सी में बैठे हैं, अगर टैक्सी नाइस एंड क्लीन है, साफ सुथरी है, तो उसकी सफाई की तारीफ करें। उस टैक्सी ड्राइवर को खुशी दें, उसकी ड्राइविंग की तारीफ करें, उससे बातें करें और उसकी मालूमात की तारीफ करें। अगर उसने अच्छा लिबास पहना है तो उसके लिबास और उसके हुस्न अखलाक की तारीफ करें। हर इंसान को अहमियत दें, कोई गरीब हो अमीर हो, हर एक से गर्मजोशी से मिलें। उन्हें बताएं कि मैं जब भी आपसे मिलता हूं मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। उनको एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम और कीमती हैं। उनको इज्जत दें, लोगों को इज्जत देना सीखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कभी किसी ने इज्जत नहीं की, कभी ऐसे लोगों को इज्जत देकर देखें। मैं अपने वर्ल्ड दावा टूर पर था। मेरे लेक्चर से पहले घर में दावत थी जिसमें बाप बेटा दोनों मुलाजिम थे। घर के लोग उस मुलाजिम लड़के को कामा कहकर पुकारते थे। मैंने घर के अफराद से अलहदगी में पूछा कि ये कामे का हकीकी नाम क्या है, तो किसी को उसके हकीकी नाम का इल्म नहीं था। बिल आखिर मैंने उसके वालिद से पूछा कि आपके बेटे का हकीकी नाम क्या है, तो उसने बताया कि इसका नाम कामरान है। जब हम खाने से फारिग हुए तो मैंने उस लड़के को पुकार कर कहा कि कामरान साहेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत अच्छा एहतमाम किया है। वो मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। मुझे लगा कि वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कोशिश के बावजूद वो कुछ कह नहीं पाया और फौरन पलट कर किचन में चला गया। कुछ देर के बाद जब मैं कमरे में सामान तैयार कर रहा था तो कामरान ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, इजाजत लेकर अंदर आया और अंदर आते ही मुझसे लिपट कर रोने लगा। बड़ी मुश्किल से संभल कर उसने मुझसे कहा कि जब से होश संभाला है कभी किसी की जुबान पर अपना हकीकी नाम नहीं सुना। मेरे वालिद साहिब समेत सब मुझे कामा कामा ही कहते हैं। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि कभी किसी की जुबान से अपना हकीकी नाम तो सुनूं, कोई मुझे कामरान कहकर पुकारे। कामरान साहिब तो पूजा, कभी किसी ने मुझे कामरान कहकर भी नहीं पुकारा। लेकिन आज जब आपने मुझे कामरान साहिब कहकर पुकारा ना, तो मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सका। ये मेरे खुशी के आंसू हैं। उस वक्त से किचन में बैठा रो रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। कामरान ने कहा कि इस घर में बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात का क्याम रहा है और मेरी खिदमात पर, मेरी दिलजोई के लिए मुझे इनाम के तौर पर मेरी महाना तनख्वाह से भी ज्यादा रकम उन अहबाब से मिलती रही है, लेकिन हजारों रुपए मुझे वो खुशी न दे सके जो आपके मुझे कामरान साहिब कहने से मिली है। मेरे भाई और मेरी बहनों, कामरान के दिल में पैदा होने वाली खुशी की लहरें उसी वक्त मेरे दिल में मुंतकिल होना शुरू हो गई, और जब भी उसकी खुशी की कैफियत याद आती है तो मेरे दिल में खुशी के जज्बात फिर ताजा हो जाते हैं। तो मत कहा कीजिए कि हमारे पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लोगों को अपना कीमती वक्त दीजिए। नाकाम लोगों को मायूसी से बचाने के लिए हौसला अफजा जुमले दीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, यकीन दीजिए, इज्जत दीजिए, मोहब्बत दीजिए। उनकी छोटी छोटी कामयाबियों पर उनको शाबाश दीजिए, उनकी सलाहियतों पर उनकी तारीफ कीजिए। अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करें। आपको अपनी गली में, बल्कि अपने घर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको कभी किसी ने इज्जत से पुकारा ही नहीं। उनको इज्जत से पुकार कर देखें, आजमा कर देखें। खुशी चाहती हो तो घर के मुलाजिमों को मुख्तलिफ बहानों से खुशी दो। गली में मौजूद किसी मजदूर को इज्जत देकर देखो। ऑफिस में काम करने वालों से लेकर आपके वर्क कॉलीग्स, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉयर्स और आपके एम्प्लॉयज, सब में खूबियां तलाश करके उनकी तारीफ करने की आदत बना लो। तुम उनको खुशी दोगे तो सारी जिंदगी नाखुशी का गुजर कभी तुम्हारी गली से भी नहीं होगा, तुम हमेशा खुश रहोगे। कभी तो एक जुमला ही किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। मेरी अपनी जिंदगी के ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। इंडिया में, मुंबई में एक नौजवान की चंद बातें सुनकर मैंने सिर्फ उसे इतना कह दिया था कि मुझे तेरे अंदर एक टैलेंटेड बिजनेसमैन नजर आ रहा है। 2 साल बाद उसने मुझे ये पैगाम भेजा कि जिंदगी में मुझे कभी किसी ने शाबाश नहीं दी थी, लेकिन आपके उस एक जुमले ने आज मुझे एक कामयाब बिजनेसमैन बना दिया है। उस दिन पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ था कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कि इस कुनूतियत पसंद और हौसला शिकनी करने वाले मुआशरे में आपका एक जुमला किसी की जिंदगी में इनकलाब बपा कर सकता है। आपके पास बांटने के लिए दौलत नहीं है तो ना सही। लोगों को इज्जत दो, अपना कीमती वक्त दो, अपनी आंखें दो, अपनी जुबान दो, उनसे बातें करो, अपने कान दो, उनकी बातें सुनो, उन्हें हिम्मत दो, उन्हें हौसला दो, उन्हें यकीन की दौलत दो, उन्हें प्यार दो, मोहब्बत दो। खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फूलों की तरह खुशबू फैलाने वाले बन जाओ।